वेलकम गाइस, क्या हाल है? तभी ठीक है, उम्मीद करता आप भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी हमारी क्लास है मेंटल हॉस्पिटल में, हम उसके लिए जा रहे हैं। तो बाकी आपको पता है कि रस्म रिवाज की तरह मैं हमेशा पहले तैयार होकर बाहर आता हूँ, तो बाकी शहजादे जो हैं वो हमेशा लेट निकलते हैं, तो वो अभी तक अभी अंदर ही खड़े हैं, निकले नहीं हैं बाहर। तो मैं उनका बाहर वेट कर रहा हूँ, मैंने सोचा चलो विलाग स्टार्ट कर लूँ। तो अभी जा रहे हैं हम मेंटल हॉस्पिटल, उधर से क्लास लेकर आते हैं, फिर हमने अपने अपार्टमेंट के आगे सफाई करनी है। सफाई करने के बाद हमने फिर न्यू अपार्टमेंट में भी शिफ्टिंग करनी है, तो इसलिए ये अपार्टमेंट पहले साफ़ करेंगे, फिर ओनर को बताएंगे, ओनर आगे चेक करेगी भाई अपना अपार्टमेंट पे मेरा अपार्टमेंट ठीक है, कोई मसला इशू वगैरह तो नहीं। उसके बाद हमें इजाज़त होगी, हम नेक्स्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अभी चलते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद वापसी आते हैं अपार्टमेंट पे, सफाई स्टार्ट करते हैं और फिर शाम को चलेंगे 4 बजे तो क्लास लेने पैथोफिजियोलॉजी की इन यूनिवर्सिटी। तो अभी तक उनका वेट कर रहा, अभी कोई नहीं आया। लाडले साहब आ गए हैं, नवाबजादे, शहजादे, ठीक टैक्सी चला अस्सलाम वालेकुम। रहे तो टाइम ना बाहर नहीं निकल सकता? क्यों, टाइम ज़्यादा औखा होना है? हाँ। चलो देर बंदोबस्त करना। तो पता है ना हमने किया था अपार्टमेंट चेंज, फिर हमने अपार्टमेंट चेंज करने के बाद, अपार्टमेंट टर्न करने के बाद हमारी हुई लड़ाई कुत्तों वाली, ठीक है, मेरी अवैस की और अब्दुल रजाक की, जिसमें हमने एक दूसरे को अच्छी खासी बातें सुनाई हैं। कुछ रजाक ने सुनाई, कुछ मैंने सुनाई, कुछ अवैस ने सुनाई। बातें सुनाने के बाद हम 1-2 घंटे एक दूसरे से नाराज रहे, लेकिन देखिए आप एक दूसरे के साथ फिर चिपके हुए हैं, जैसे जरासीम एक दूसरे को चिपक जाते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। कैंटीन पे कुछ नाश्ते के लिए लेते हैं, आज हमने नाश्ता घर नहीं बनाया, आज भूख बहुत ज्यादा लगी है, तो अभी हम इधर से लेते हैं कुछ खाने के लिए। तो वो लेते हैं, ये कैंटीन है छोटी सी, जैसे हमारे गाँव में होती है छोटी छोटी दुकानें, उसी तरह ये इधर भी एक बनी हुई है। भी देख रहे हैं क्या चीज है, बाद में बंदा चला कि घोड़े का गोश्त खा रहे। कॉर्न डॉग, वो क्या होता है ये अभी देख रहे हैं क्या? हाँ देखें देखें, जल्दी देखें। बाकी ये ले के बाहर आ जाते हैं, मैं तो बाहर खड़ा होता हूँ धूप पे, माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी है, जैसे पाकिस्तान में सर्दियों में धूप थे सेकने का मजा, इधर भी वैसे ही है, क्योंकि इधर तो धूप नसीबों से मिलती है ना। आगे सर्दियां आ जाएंगी, पिछले साल तो इस माह भी काफ़ी बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा इधर सर्दी नहीं है और ना बर्फबारी है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल ही सर्दी है। वरना पिछले साल तो 2022 में इधर बर्फबारी हो रही थी 11वें महीने में, लेकिन अब तो नहीं है। यकीन करो नहीं। रजाक और अवैस की इतनी गंदी आदत है ना, अभी ये छोटी सी दुकान में भी एंटर हुए, उधर से इन्हें कुछ नहीं लगी क्योंकि इनको उधर कुछ चीज़ पसंद नहीं आई। आप जाएंगे किसी और दुकान पे, कुत्तों की तरह लूर लूर दोनों फिरते हैं, और फिर इन्हें यूनिवर्सिटी जाना होता है, पहले जी बार के लोफरियाँ करते हैं, ठीक है, और माशाल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसे शरीफ हैं कि किसी को इनके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ अलबत्ता अगर आप इनके बारे में कुछ ना चाहते तो आप मुझे पर्सनली पूछें रजाक के बारे में, अवैस के बारे में, मैं इनको किताबें खोलूँगा जो इन खुफिया किताबें बंद की हुई हैं ना, उनके ऊपर मिट्टी घट्टा लगा हुआ, उसको उठाकर फूक शूक के सफाई करके मेरे बारे में खिलाफ बोला जाता है। गाइस मेरे बार अपने बारे में जी बोलो हुक्म, हम सुनने वाले हैं, सुने आप सुनाए क्या बोलना चाहते हैं? बहुत कुछ बोले रस्ते खत्म हो जाते, पूरी दुनिया ने पेपर खत्म हो जाता, लिख ले आप बोले ना, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं शरीफ हूँ, आप बोले फोन बताएं, आप बता क्यों नहीं रहे? तेरे पास इतना टाइम नजाक, तू ये पहले वक्त नजाक, आज तुझे मैं दूसरी दफा कह रहा हूँ, बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, इधर आए थोड़ा सा, इधर करीब आए, नहीं मेरे नहीं मार नहीं मारता नहीं हो, बात तो सुन, हम तो मेरी बात नहीं सुने। नजाक आप इस तरह करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, एक गिलास में एक घूंट पानी लो और उसमें डूब के मर जाओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप?
था ना, ये वाले आज बिस्किट लिए ताकि थोड़ा सा गुजारा हो जाए। बिस्किट तो नहीं है, केक हैं, बहुत मज़े के हैं। बॉन्डिंग हमें याद दिला दी इसने। हो गई है, अभी हम हॉस्पिटल से क्लास लेके बाहर निकले हैं। रिजाल भाई क्लास कैसी रही आज भी आपकी? हाँ अच्छी रही है, चलो माशाल्लाह। और हम किधर कर जा रहे हैं? अभी अपना हमने जाके सफाई शुरू करनी है अपार्टमेंट की, हमने अपार्टमेंट खाली करना है तो उसको साफ करके देते हैं। और अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो रहा है, और सुकून लाइफ गुजारे हैं। भाई आपने ना सबसे पहले ना जाके वाशरूम साफ करना है, और उसके बाद आपने किचन साफ करनी है, तो बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो रजाक मैं और अब्दुल्ला करेंगे। ये तेरे जिम्मे दो काम है, ठीक हो गया? ठीक है बस। देखें इतने अच्छे बच्चे होने चाहिए जिनको मतलब एक दफ़ा काम कहें जी जी हम कर देते हैं, लेकिन इसमें करना नहीं। अभी विदाउट वीडियो में दिखाऊंगा उधर, अब जाके ये लेट जाएगा, हीट हो जाएगा, उठेगा नहीं, तो सौ अदर अदर थे। आज बस ही नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया हम इधर खड़े हैं, आज दो बस ही नहीं आ रही, लेट हो गई आज हमें। दो सफाई में करनी थी, यूनिवर्सिटी में जाना था, लेकिन बस ही नहीं आ जा रही यार, किस्मत ही हमारी थोड़ी सी ख़राब जा रही है। आ रहे हैं जब, देखते हैं काम तक आती है, उम्मीद तो है 20-25 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगी। अभी उसी का वेट है बस का, वरना काम के हम घर पहुँच जाना था, जबकि हमें छुट्टी हुई, आधा घंटा तो हो गया इधर वेट कर रहे हैं। काफ़ी ना इंतज़ार करने के बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि पैदल चलते हैं, बस तो आ नहीं रही, इसलिए हमें हो जाएगी काफ़ी लेट। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल घर, तकरीबन 3 किलोमीटर सफ़र होगा या 4 किलोमीटर जो आज हम पैदल तय करेंगे। तो बस हमें मिल नहीं रही, अगर आगे से कोई नज़दीक और कोई बस जाती हुई तो वो मिल गई तो हम फिर उस पर जाएँगे, वरना हम पैदल ही आज जा रहे हैं। रजाक भाई बात सुने, रजाक भाई बात, अच्छा रजाक भाई आज करना मुझसे चलता है थोड़ा सा, ताकि आज करना इसके कुत्ते खाने करता हूँ ना, मिट्टी पुलिस भी दूसरे अपने पंजाबी लफ्ज़ों में मिट्टी पुलिस कुत्ते खानी ये सब कुछ बोला जाता है उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, समझ लो मीठी मीठी। तो ये हम विलाग में बहुत काम आता है। अवैस भाई साहब भी आज पैदल चलने के फुल मूड में है। हाँ अवैस भाई कैसा जाएगा आज तक का सफ़र? नहीं भाई कोई पैदल नहीं चल रहे हैं, मैं तो नहीं चल रहा पैदल, वहीं हम रात की छुट्टी पर छुटेंगे। हाँ तो पास ट्रेन पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर बहुत से ट्रेन है। किस पे बैठना है? अच्छा अच्छा, तो जो भी हो लेकिन 1 किलोमीटर तो इनको मस्त चलना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर के नज़दीक कोई और बस नहीं आती, जो आती है वो आ नहीं रही, तो इसलिए पैदल तो फिलहाल इनको चलना पड़ेगा। चलो हम पैदल चल रहे हैं, तो विलाग अभी बंद करते हैं फिर बनाएंगे। इतना सूरज की वो थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से कैमरे का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन हो रही है सूरज के भी स्ट्रोक्स की, तो इसलिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि सही मज़ा नहीं मांग रहा, कैमरा का अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो गाइस फैमिली हम लोगों ने खाना खा लिया है, अभी रजाक और मैं जाने लगे यूनिवर्सिटी। तो अवैस भाई साहब को बोला है कि आप ना किचन साफ कर देना, बाकी हम आगे साफ कर लेंगे। पहले तो प्रोग्राम था, पूरी वीडियो बनाते हैं किचन की, सफाई करते हैं, सारा निज़ाम दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन क्या करें ना टाइम हमें बस की वजह से हम लेट हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो ये पीछे सफाई करेंगे। वैसे मैं आपको ना छोटा सा दिखा देता हूँ कि हमारी किचन कितनी गंदी हुई पड़ी है। इधर अब्दुल्ला भाई और रजाक दोनों जा रहे हैं, रजाक और मैं यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, 24 घंटे के लड़ते हैं उर्दू की तरह। अब्दुल्ला इधर बात सुनो मेरी, हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आपने इस तरह करना है कि किचन और वॉशरूम साफ करवा देने दोनों मिलकर। चलो जिससे भी है काम करवा के सफाई करवा देना, ठीक है, क्योंकि अपार्टमेंट वापस करना है। अभी मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ अपना किचन कितना गंदा हुआ पड़ा है, तो जब ये साफ करेंगे उसके बाद दिखाऊंगा भी कैसा लग रहा है। माने ये ना पिछले कुछ दिनों में हमने साफ नहीं किया, कितना गंदा हुआ बड़ा है। अभी ये ना सारा साफ करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा
बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा हमारे किचन का। पहले तो हम डेली सफाई करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने ना वो अपार्टमेंट के चक्रों में सफाई नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। इधर सफाई चल रही है, अब्दुल्ला भाई सफाई कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, पीछे से ये सफाई कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, टाइम हो गया 3:10, 4 बजे हमारी क्लास है और 5 बजे छुट्टी हो गई, 2 घंटे क्लास है। तो मैंने हाथ में ये कुछ पार्सल पकड़ा हुआ है गंद वाला, प्रताप साहब ने भी पकड़े हुए पार्सल गंद वाले। अभी हम इनको उधर फेंकेंगे कूड़ादान में और फिर आगे जाएंगे। तो बाकी माशाल्लाह देखें, हमारे शहजादे पीछे सफाई कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग, जिसे हार्ड वर्किंग कहते हैं वो कर रहे हैं। तो पहले दफ़ा हमने हमारा काम कर रहे हैं, वरना पहले तो रजा की सफाई करता था। यहाँ पे हमने गंद फेंका, यहाँ पे हम गंद फेंक रहे हैं। गाइस पहले हमारी किचन के हालात चेक करो, अब चेक करो, ये चेक करो, सब कुछ साफ कर दिया है, देखें सब कुछ साफ किया पड़ा है। तो चेक करें आप, देख कितनी प्यारी लाग रही। थैंक यू वैस भाई एंड अब्दुल्ला भाई, तू मेरे कैमरे पे जैमन डैमरी बना रहे, साइड दियो साइड पे, एनवे जो बड़े आ रहे हैं, चल साइड दियो। हमारी यूनिवर्सिटी में कॉफी भी नहीं लगेगी। No age for student, very good student. I need to study, prepare, repeat, write.